डालेंगे अच्छे तरीके से चिकन खीमा, पिज़्ज़ा जो कि ओवन में जाने वाला है। वाह, और अभी यहाँ पर फाइनली अपना पिज़्ज़ा जाने वाला है जो कि चिकन ओवरलोडेड। वाह, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त ये बेक हो रहा है अभी। यहाँ पर ये चिकन खीमा कितना मिनट लग जाता है भैया? 10 मिनट्स में बन जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ है। वाह, आज हम आए दोस्तों बहुत ही यूनिक जगह, पिज़्ज़ा ऑन फायर। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था मैं ये जगह आने की और कोशिश कर रहा था ये जगह आके कवर करने की, तो आज फाइनली मौका मिल चुका है। और आज अपन ट्राई करने वाले वुड फायर पिज़्ज़ा, जो कि हमने चिकन ओवरलोडेड पिज़्ज़ा लिए है दोस्तों। और देख सकते हो ये पूरी की पूरी वैन में इनका सेटअप है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं पिज़्ज़ा की मेकिंग। तो ये है दोस्तों अपना पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा बेस पहले से बनता है? इस पे लगा खुद ही बनाते हो? हैंड मेड बेस से। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लग रही है दोस्तों, बहुत ही सही। अभी इस पे चीज़। तो यहाँ पर मस्त तरीके से चीज़ डाल रहे हो भैया। और ये अपना 10 इंच वाला बन रहा है ना? टेन इंच वाला पिज़्ज़ा है दोस्तों अपना, ये चिकन ओवरलोड पिज़्ज़ा। आज अपन पहली बार वुड फायर में टेस्ट करने वाले, किस तरीके से टेस्ट आता है अपने को। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चीज़ डाली गई है पिज़्ज़ा ना। हाँ, मोज़रेला काफ़ी सही। ऊपर फिर अनियंस, यहाँ पर अनियंस सही, जबरदस्त। यहाँ पर अभी चिकन के पीसेस डाले जाएंगे। चिकन है, पेरी पेरी सॉस में मैरिनेट होता है। अच्छा, पेरी पेरी सॉस में मैरिनेट हुए वाले चिकन है। और पिज़्ज़ा बेस काफ़ी थीन है। हाँ, ये थीन क्रस्ट के लिए फेमस है। थीन क्रस्ट के लिए। हाँ, चलो सही है। आज फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने वाले वुड फायर पिज़्ज़ा। आपको ओवन भी दिखाता हूँ जो कि पूरा वुड फायर से ही बेक किया जाता है। सही। ये चिकन टिक्का। हाँ, ये चिकन टिक्का वाला भी है दोस्तों, मतलब ओवरलोड पिज़्ज़ा है पूरा। हाँ, हर एक फ्लेवर आपको यहाँ पर टेस्ट करने मिलेगा ये वाले पिज़्ज़े में। और चिकन ओवरलोड पिज़्ज़ा तीन फ्लेवर्स। पहला वाला कौन सा था? पहला पेरी पेरी है, सेकंड चिकन टिक्का, थर्ड है चिकन खीमा। फुल ज़बरदस्त लग तो रहा है, ज़बरदस्त बनने वाला है करके, पूरा ओवरलोड है। सही है दोस्तों। और ये है दोस्तों इस प्रकार का ओवन जो कि वुड फायर पे बहुत ही सही। यहाँ पर ही भैया, और अभी जाएगा इसमें चिकन खीमा। वाओ, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल होने वाला है। वाओ, चिकन खीमा कितना सही लग रहा है, बेक होने के बाद तो और भी लजीज लगेगा। ये वाला 10 इंचेस पिज़्ज़ा है दोस्तों, और ये वाला 7 इंचेस जो कि चिकन खीमा है। अभी भैया डालेंगे अच्छे तरीके से चिकन खीमा, पिज़्ज़ा जो कि ओवन में जाने वाला है। वाह, और अभी यहाँ पर फाइनली अपना पिज़्ज़ा जाने वाला है जो कि चिकन ओवरलोडेड। वाह, सही, बहुत ही सही लग रहा है, गजब। ये दोस्तों पूरा ओवन है दोस्तों, सही। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त ये बेक हो रहा है अभी। यहाँ पर ये चिकन खीमा कितना मिनट लग जाता है भैया? 10 मिनट्स में बन जाता है। रहना पड़ता है काफ़ी ज़बरदस्त। हाँ, काफ़ी सही लग रहा है और अच्छे तरीके से बन रहा है दोस्तों अपना। ये पूरा गाड़ी के अंदर बनाया है ना पूरा ओवन। हाँ, सही, काफ़ी अच्छे तरीके से बन रहा है दोस्तों अपना पिज़्ज़ा। और काफ़ी ज़्यादा आँच है। सही, शूट करना है। वाह,
ये एक्स्ट्रा चीज़ है। वाह, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़े थोड़े देर में पलटते रहना पड़ता है तो ताकि जल ना जाए। सॉफ्ट भी रखते हो और अगर जर चलेगा। एक किलो यार, ना सही लग रहा है ये पिज़्ज़ा। स्लो स्लो कुक हो रहा है, काफ़ी अच्छे से, ज़बरदस्त। ये अपना वाला पिज़्ज़ा है दोस्तों, जो कि बन रहा है बस। वाह, काफ़ी ज़बरदस्त बन रहा है दोस्तों, एक बार देख ही लो यहाँ से। वाह सही, काफ़ी ज़्यादा हीट है, मोबाइल ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। वाह सही, ये है दोस्तों खीमा वाला, चिकन खीमा, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। सही, बनने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही। अभी अपना निकलेगा यहाँ पे ये वाला पिज़्ज़ा। यहाँ पर अभी अपना वाला आ गया दोस्तों, ज़बरदस्त चिकन ओवरलोडेड पिज़्ज़ा। वाओ, काफ़ी सही लग रहा है यार। वाओ, एक एक फ़ोटो ले लेता हूँ, एक ऐसे। ओके हाँ, कितने पीस करोगे भैया इसके? अभी 8 slices कर दो, इसके 8 slices होने वाले हैं। अभी और करेंगे। वाह, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यार, कुक होने के बाद देखो इसको करीब से। चिकन खीमा था ना यार? हाँ, ये ब्लैक वाला चिकन खीमा। चिकन खीमा सही लग रहा है, चिकन टिक्का और एक पेरी पेरी, काफ़ी सही लग रहा है। अभी इसे फटाफट से टेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत दिन से तमन्ना थी अपनी ये वुड फायर पिज़्ज़ा खाने की, तो आज फाइनली अपन आ चुके हैं वुड फायर पिज़्ज़ा। आपने पूरी मेकिंग भी देख ली इसकी कि ये वुड फायर पिज़्ज़ा किस तरीके से बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन इसे टेस्ट करते हैं। तो देख ही सकते हो कितना सही लग रहा है, ये एक पीस ले रहा हूँ मैं दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी थिन क्रस्ट है। तीनों भी फ्लेवर काफ़ी खिल के आ रहे, पेरी पेरी फ्लेवर, टिक्का फ्लेवर और खीमा फ्लेवर। काफ़ी ज़बरदस्त है यार, काफ़ी ज़्यादा गर्म है इस वजह से थोड़ा खाना नहीं जम रहा है, मगर आप ज़रूर से यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिए, क्योंकि ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा है दोस्तों, वुड फायर पिज़्ज़ा। और जो फ्लेवर्स खिल के आ रहे हैं ना, जो वुड फायर पिज़्ज़ा मतलब वुड फायर में इसे कुक किया गया है, बेक किया गया है, जो फ्लेवर्स खिल के आ रहे हैं मुँह में, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे और भी प्रकार के हैं, मैं आपको मेन्यू कार्ड भी दिखा देता हूँ, बट ये वाला पिज़्ज़ा लगा तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको दो साइजेस में आपको पिज़्ज़ा अवेलेबल हो जाएगा, एक तो होगा 7 inches में और एक होगा ये 10 inches में। 10 inches भी आपको दिखाया हुआ और 7 inches भी दिखाया हुआ। तो ये है दोस्तों अपना वुड फायर पिज़्ज़ा, देख ही सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त सा ये अपने को देखने मिल रहा है वुड फायर पिज़्ज़ा, ज़बरदस्त। इसमें फुल्ली लोडेड होता है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी फूड रिलेटेड न्यू प्लेसेस के साथ और न्यू फूड रिलेटेड वीडियोस के साथ। मज़ा आ गया। इसका लोकेशन आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा, पिज़्ज़ा ऑन फायर या फिर वुड फायर पिज़्ज़ा डाल दोगे तो आपको यहाँ का लोकेशन मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप आ सकते हो बिंदास, यहाँ पर टाइमिंग 5:30-6 बजे से लेके
होता है टाइम 10:30-11 बजे तक कि ये ओपन रह जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, शाम के टाइम में, रात के टाइम में ज़रूर से आप ये ट्राई कीजिए। वुड फायर पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ में दोस्तों मैंने एक मोजीतो भी बुलाया हो दोस्तों, जो कि वर्जिन मोजीतो या फिर वो चीज़ भी मिल जाता है। अभी दिखाता हूँ दोस्तों आपको यहाँ का मेनू, क्या क्या चीज़ मिलता है, कौन से प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है। इसे मैं पहले फिनिश कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए दोस्तों। मैं आपको मेनू कार्ड भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों पिज़्ज़ा ऑन फायर का मेनू, आप देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप के आपको पिज़्ज़ा मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बेसिक पिज़्ज़ा भी देखने मिल जाते हैं ये सारे, जो कि आपको 7 इंचेस में और 10 इंचेस में अवेलेबल हो जाएंगे, वेज और नॉन वेज में भी। यहाँ पर भी देख सकते हो ये सारा का सारा आप मेनू, शेप स्पेशल और ये डेजर्ट्स कॉम्बो, ये सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा पिज़्ज़ा ऑन फायर में। आप जरूर से विजिट कर सकते हो, यहाँ पर जरूर से विजिट करो दोस्तों यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑन फायर। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का पिज़्ज़ा। तो प्लीज़ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में किसी न्यू यूनिक गुड वीडियो के साथ। लाइक करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फूडी रजत को।